और आप देख रहे हो मेरा चैनल पॉइंटलेस। आज वीडियो में हम लोग हेलमेट के बारे में बात करने वाले हैं। हेलमेट हमारे बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट हमें हमेशा पहनना चाहिए। हेलमेट मेरे पास पहले भी था, ये वाला जो हेलमेट है ये स्टड्स का हेलमेट है, तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है और मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये एक ओपन फेस हेलमेट है। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो इस तरह के हेलमेट आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका काम भी चल जाएगा और थोड़ा ये कंफर्टेबल भी होते हैं पहनने में। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ एक लॉन्ग राइड की, तो वहाँ मुझे फुल फेस हेलमेट चाहिए जो मेरा पूरा फेस कवर करे, मुझे विंड से भी बचाए, सर्दी से भी बचाए और पूरी सेफ्टी भी मिले। उसके लिए मैंने एक नया हेलमेट मंगवाया है। स्टड्स में मैंने बहुत ढूंढा, स्टड्स का मुझे एक मॉडल पसंद आया था लेकिन वो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं मिल पाया, और तो मुझे स्टील बट का मंगाया है एक हेलमेट जो कि ओपन फेस हेलमेट नहीं है, जो कि फुल फेस हेलमेट है और काफ़ी अच्छा हेलमेट है, हमारे बजट के अंदर भी आता है। वैसे तो हेलमेट बहुत सारे आते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग ब्रांड्स के, सस्ते महंगे, लेकिन एक हमारे जो बजट में, हमारे एक नॉर्मल रेंज में जो हेलमेट आते हैं वो मैंने मंगाया है। 2000 तक की रेंज में आपको अच्छे हेलमेट मिल जाएंगे जो आपको सेफ्टी भी देते हैं और जिनका लुक भी बढ़िया होता है। बाइक पर बैठ करके आप अगर उन हेलमेट को पहनेंगे तो आप अच्छे भी लगेंगे। तो हेलमेट जो है वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे ही ऑनलाइन मिल जाते हैं हेलमेट, और अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली मुंबई वगैरह में, तो आपको वहाँ पर आसानी से मार्केट में भी मिल जाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएंगे। तो हेलमेट को देखते हैं सबसे पहले वो कैसा है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये कुछ ये बिल है जो अलग से दिया हुआ है, और ये वाइजर है, और इसके अंदर हेलमेट है। बॉक्स को नीचे रख देते हैं। ये हेलमेट है, ये कुछ इस तरह के बैग में आता है, बंद करके देखते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेलमेट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अगर आप नॉर्मल वाइज़र मंगाते हैं, अगर आप क्लियर फेस वाइज़र मंगवाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, जैसा कि इस हेलमेट में इस वक्त लगा हुआ है, तो ये वाइज़र के साथ आपको हर हेलमेट सस्ता मिलेगा। और अगर आप स्मोक वाइज़र मंगाते हैं जैसे कि ये है, ये 50% लगभग ब्लैक होता है, तो स्मोक वाइज़र या फिर टिंटेड या फिर रिफ्लेक्टिव वाइज़र आप मंगवाते हैं तो 150-200 रुपये आपको उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो मैंने स्मोक वाइज़र में ऑर्डर किया था, तो स्मोक वाइज़र जो है वो अलग से आया है और इसमें क्लियर फेस वाइज़र साथ में लग के आया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टील बर्ड वाले दे रहे हैं कि आप जहाँ पे क्लियर फेस वाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और स्मोक वाइज़र यूज़ करना चाहते हैं ख़ास तौर से समर में, इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ती है और लॉन्ग राइड पर ख़ास तौर से बहुत काम आते हैं, तो उसके लिए स्मोक वाइज़र बहुत अच्छा रहता है। तो दो वाइज़र मिले हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आप इस हेलमेट को देख लो, फिर इसके बारे में हम बाकी बातें जानेंगे। ₹1950 का, और मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ख़रीदा है, तो लगभग 3 दिन में मेरे पास ये आ गया। बहुत जल्दी डिलीवरी की फ्लिपकार्ट ने, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको बिना स्मोक वाइज़र के लेंगे यानी कि क्लियर वाइज़र के साथ लेंगे तो आपको ये लगभग 1750 या 1800 के आसपास का पड़ जाएगा। तो आप जानते हैं हेलमेट में क्या क्या खूबियाँ। सबसे पहले तो ये ब्लैक और ग्रे कलर में है और पूरा
मैट लुक में है, मतलब कहीं पे भी इसमें शाइन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ग्राफिक्स इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं और हेलमेट का नाम है स्टीलबर्ट SBH-17 टर्मिनेटर। इसके आगे यहाँ पे ये रोबोट भी लिखा हुआ है। सबसे खास बात जो है हेलमेट की वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे ये एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो हेलमेट का वाइजर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। देखिए खुल गया। अब बंद ये कैसे होता है? बंद होता है दो बार में, बंद कर देते हैं और फिर से एक बार खोल के दिखाते हैं। देखिए ये रेड बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो वाइजर अपने आप खुल जाएगा। इसकी बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें बहुत सारी खासियत है। पहली तो ये कि इसमें बहुत सारे एयर बैग दिए हुए हैं, जो कि आप अगर समर में बाइक राइड कर रहे हो, खास तौर से लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो आपके सर में पसीना नहीं आएगा। तो ये इसमें सबसे आगे जो है फ्रंट में एयर वेंट दिया, ये जो है ये फ्रंट एयर वेंट है, तो ये ऐसे बंद हो जाएगा और नीचे इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें साइड में भी ये एयर वेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है ये, और ऊपर है, ऊपर भी स्विच है इसके, ये स्विच है आपको दिख रहा होगा, इसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और इसको ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये भी एयर वेंट है, इससे एयर पास होती है। ये देखिए ये बंद हो गया और ये खुल गया, हम खुला रहने देते हैं। सबसे पीछे ये हॉट एयर एग्जॉस्ट है, आप ये देख सकते हैं, दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे ये और है पीछे हैं, तो इनसे हवा आगे से निकल के पीछे जाती है, तो हमारे सर में कूलिंग बनी रहती है हेलमेट के अंदर और हमको ज़्यादा समर में गर्मी नहीं लगती है। पहले टाइम पे जो हेलमेट आते थे उसमें एयर एग्जॉस्ट और एयर वेंट ये सब नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल हेलमेट आते थे और पहले लोग सेफ्टी पे भी इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज कल लोग बहुत जागरूक हो गए। तो ख़ास तौर से लॉन्ग राइड पर जब हम लोग जाते हैं तो हमको हमेशा एक अच्छा ब्रांडेड हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर हमारा बहुत ही सेंसिटिव होता है और अगर कुछ ऐसे वैसा कुछ होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में हेलमेट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी उस वक्त जान बचाए। तो इसमें हमारे पास दो वाइज़र के ऑप्शन है, क्लियर वाइज़र भी है, स्मोक वाइज़र भी है। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका वाइज़र कैसे चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें गोप्रो माउंट करेंगे ताकि हम ब्लॉगिंग सेटअप देख सकें कि गोप्रो इस हेलमेट में हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले वाइज़र को चेंज करते हैं, वाइज़र को खोलते हैं। ये स्टील बर्ड का ही वाइज़र है, स्मोक वाइज़र कहते हैं इसको। कुछ इस तरह का वाइज़र है। अब हम ये क्लियर वाइज़र इसमें हेलमेट में से निकालेंगे और स्मोक वाइज़र इसमें इंस्टॉल करेंगे। दोनों तरफ ये स्विच है, यहाँ पे एरो भी बने हुए हैं और इसको आपको इस तरफ प्रेस करना है एरो की डायरेक्शन में। तो इधर से भी एक तरह से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इस वाइज़र को थोड़ा सा खिसकाएंगे, तब ये वाइज़र आराम से निकल जाएगा। अब आप देखिए मैं कैसे इसको खोलता हूँ। ये देखिए ये निकल आया। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये वाइज़र इसका निकल गया है। अभी स्मोक वाइज़र इसमें लगाना है, तो लगाने का भी वही तरीका है जो निकालने का है। ये खटकी आवाज़ आई, इसका मतलब फिट हो गया। अब इधर से भी ऐसे लगा लेते हैं इसको, यहाँ से भी खटकी आवाज़ हो गई, इसका मतलब वाइज़र फिट हो गया अच्छी तरह से। इसको ये अभी थोड़ा सा बंद हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा हवा आने के लिए जगह है, दो स्टेप में बंद होता है। अभी ये थोड़ा बंद हुआ है, अगर इसको पूरा बंद करना है तो इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। तो अभी इसमें ब्लैक वाइज़र लग गया है जो कि इस हेलमेट के कलर के साथ बहुत मैच कर रहा है और आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा भी लगेगा इस हेलमेट के साथ। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम इस हेलमेट में हम GoPro कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो GoPro माउंट जो है वो पहले इसमें हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें आगे एयर वेंट लगा हुआ है, तो एयर वेंट के रहते हुए हम इसमें GoPro नहीं लगा पाएंगे। ये एयर वेंट का जो कवर है, ये ब्लैक कवर, इसको हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। ये हम कवर निकाल देंगे तो उससे क्या होगा कि एयर वेंट भी ऊपर से खुला रहेगा और इसके नीचे हम इस एरिया में GoPro माउंट जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर GoPro कैमरा लगा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये निकलता कैसे है।
तो स्क्रू ड्राइवर हमें लेना पड़ेगा, एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे छोटा वाला। और ये एयर वेंट है, इसके साइड में ये यहाँ पे जगह है साइड में चारों तरफ, तो ये पेंच से नहीं जुड़ा हुआ है, बस ऐसे ही फिक्स किया हुआ है। तो ऐसे हम स्क्रू ड्राइवर ले करके इसको इस तरह से करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये जगह है, तो इस जगह पे हम आसानी से अपना GoPro माउंट लगा सकते हैं और कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। GoPro माउंट हमें लगाने के लिए इसमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये GoPro माउंट है मेरे पास जिसमें ये 3M टेप लगा हुआ है, तो इसको छुटाने के बाद ये पेस्ट हो जाएगा और साथ में इसको अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए और हमारा कैमरा ना गिरे। तो सिर्फ इससे चिपकाने से काम नहीं चलेगा, हमें एम सील से इसको चिपकाना होगा। तो ये हमारे पास एक एम सील है और ये मैंने ब्लैक मार्कर भी लिया है ताकि जब एम सील पक्का हो जाए तो वो थोड़ा ग्रे कलर का दिखाई अलग से पड़ता है हेलमेट में, तो उसके ऊपर ये ब्लैक मार्कर से हम स्केच कर देंगे, उसको ढक देंगे, कलर कर देंगे ताकि वो हेलमेट में एकदम अच्छा दिखे। ये GoPro माउंट इस तरह से पेस्ट करना है। तो अब एम सील खोलते हैं और एम सील को मिक्स करके चिपकाते हैं। एक एक ग्रे है, एक एक ब्लैक है, तो इन दोनों को मिक्स करना है और फिर हम चिपकाएंगे इन दोनों को। इस तरह से हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमने एम सील के दोनों पार्ट मिक्स कर लिए हैं, अभी चिपकने के लिए तैयार है। और GoPro माउंट करने के लिए हमें एक J माउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि GoPro सिर्फ इस पर सीधे माउंट नहीं हो सकता, तो एक हमें J माउंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तब वो आसानी से माउंट हो जाता है। तो साथ में मैंने फ्लिपकार्ट से J माउंट भी ऑर्डर किया था, तो ये है वो J माउंट। इस J माउंट है J के शेप का होता है इसलिए इसको J माउंट कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे इस पर GoPro माउंट किया जाता है। सबसे पहले हम GoPro माउंट को हेलमेट के ऊपर चिपकाते हैं। ये जो इसका टेप है ये निकाल देंगे, इस तरह से लगा देंगे। तो ये एम सील हमने इस पर माउंट पे लगा लिया है, अब हम इसको हेलमेट पे चिपका देते हैं। ये हमारा माउंट चिपक गया है, तो अब हमें क्या करना है कि ये इसके चारों तरफ एक खाली जगह है तो इसमें भी हम एम सील चिपका देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो हेलमेट पे कैमरा माउंट लग गया है, बहुत ही आसानी से लग गया, सिर्फ एम सील से चिपकाते हैं। उसको दो तीन घंटे अब चिपकाने के बाद छोड़ना पड़ेगा ताकि ये पक्का हो जाए। ये चारों तरफ मैंने अच्छी तरह से, इसके पीछे भी मैंने एम सील लगाया था और इसके चारों तरफ भी एम सील मैंने इस तरह से लगा दिया है ताकि ये माउंट पूरी तरह से कवर हो जाए एम सील से और अच्छी तरह से चिपक जाए, ताकि जब हम इस पर हम GoPro लगाएं अपना या एक्शन कैमरा लगाएं तो वो बिल्कुल भी हिले ना और स्टेबल रहे। हेलमेट को मैंने पहन के नहीं देखा है क्योंकि आपके सामने इसको मैंने ओपन किया है, तो अभी पहन के देखते हैं कि कैसा दिखता है सारे तरफ से। तो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है हेलमेट और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बहुत जल्दी मैं एक लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले एक अच्छा हेलमेट मंगाया है, फुल फेस हेलमेट, और साथ में मैंने कई सारी चीज़ें और भी मंगाई हैं, जैसे मैंने राइडिंग ग्लव्स मंगाए हैं अच्छी क्वालिटी वाले, और मोबाइल होल्डर भी मंगाया है जो बाइक पर लगा सके और जिस पर मोबाइल लगा करके हम GPS के थ्रू अच्छी तरह कहीं पर भी आसानी से नेविगेट कर सके। तो मोबाइल होल्डर और राइडिंग ग्लव्स वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें मैंने सिर्फ हेलमेट दिखाया आपको और इस पर कैसे कैमरा माउंट करें वो दिखाया है। और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी राइड होने वाली है, मैं बहुत अच्छे हिल स्टेशन में जाने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊँगा आपको, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको अपने आप पता लग जाएगा।
तो बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो काम कर लगा हो। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।